तो आज मैंने ज्वाइन कर लिया एक लाइफ स्टाइल SMP जिसका नाम है सफारी SMP और ये है मिस्टर आलू जो कि इस वाली SMP में खेल रहे हैं और इनके साथ खेल रहा हूँ मैं। और ये एक लाइफ स्टाइल SMP है तो आप समझ ही सकते हो कितना ज्यादा हार्ड होने वाला है इसमें। चलो अभी 5 मिनट तक कोई किसी को नहीं मारेगा। वही बोल देना और क्या। ठीक है चलो अभी 5 मिनट तक कोई किसी को नहीं मारेगा, एक हिट मार के जाऊँ। तुम मत मार देना नहीं तो हो जाएगा। चलो ठीक है अभी। तो गाइस अभी SMP स्टार्ट हो चुकी थी और मुझको इस वाली SMP में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना था क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल SMP है और इस SMP में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये तो कुछ मैच ना हुआ। तो इसीलिए मैं लग गया ग्राइंडिंग पर। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मेरा आयरन का आर्मर बन के कम्प्लीट हो गया था और सारे टूल भी मैंने बना लिए थे एंड उसके बाद मैंने एक गड्ढा बना लिया था और उसमें मैंने सारे अपने टूल छुपा दिए थे चेस्ट रख के और सारा सामान इसी के अंदर रख दिया था एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पे डायमंड भी मिल गए थे और यहाँ पे टोटल मेरे को 5 डायमंड मिल गए थे और यहाँ पे मेरे को डायमंड की एडवांसमेंट भी मिल गई थी और इससे मेरे को डर लगने लगा था कहीं आलू भाई इस वाली एडवांसमेंट को नहीं देख लें और वो मेरे से डायमंड मांगने नहीं लग जाए। तो फिर मैंने ऊपर आके एक डायमंड की एक्स बना ली और पता नहीं मैंने एक्स ही क्यों बनाई। फिर मैंने उसके बाद मेरे 2 डायमंड बचे थे वो मैंने अपने उसमें रख दिए थे सीक्रेट बेस में एंड यहाँ पे मैं अपने सीक्रेट बेस के पास जा ही रहा होता हूँ तभी आलू भाई का मैसेज आता है और फिर मैं भी पूछता हूँ कि बोलो क्या बोल रहे हो। फिर वो मेरे को एक जगह के कोऑर्डिनेट देते हैं जहाँ पे मेरे को जाना था उनसे मिलने के लिए। गाइस मैं तो तभी समझ गया था कि आलू भाई मेरे को क्यों बुला रहे हैं क्योंकि उनको मेरे को मारना है बट मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि उनका कुछ ज़रूरी भी काम भी हो सकता है। तो यार अभी चल के देखते हैं क्या सीन होने वाला है वहाँ पे। एंड मैं अपने डायमंड्स नहीं ले जाने वाला हूँ वहाँ पे और मैं खाली अपनी एक्स ले जाने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं और चैट करके देखते हैं कि वो आगे क्या बोलने वाले हैं। तो गाइस मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कुछ ज़रूरी काम है तो इसीलिए मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा। तो यार अभी मैं जल्दी से चलता हूँ उन कोऑर्डिनेट पे जहाँ पे उन्होंने बुलाया है मेरे को। हेलो हाँ भाई क्यों बुलाया है तुमने? अरे भाई आपके पास डायमंड है क्या? तो गाइस वहाँ पे वैसा ही सीन हो गया है जो मैंने सोचा था वो डायरेक्ट मेरे से डायमंड मांगने लगे हैं और मैं भी उनको डायमंड नहीं देने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए PvP क्यों ना हो जाए। अरे भाई मेरे पास सभी डायमंड कहाँ से आए? अरे मुझे थोड़े चाहिए थे, आपके पास है तो थोड़े दे दो यार। अरे नहीं है भाई मेरे पास डायमंड। अरे है आपके पास, मैंने आपका आपका वो माइनिंग करते हुए देखा था मैंने पीछे से आपको। अरे भाई वो माइनिंग किया था मैंने तो भाई अभी तक मेरे को तो भाई डायमंड मिले नहीं है भाई। अरे भाई ऐसा मत बोलो यार मुझे चाहिए था अभी टाइम। देखो भाई मेरे पास मैंने देखा था आप आयरन का आर्मर है भाई अभी मेरे पास देख लो और मेरे पास स्टोन के टूल हैं। अरे भाई मैंने आपको देखा था डायमंड माइन करते ये तो गाइस वहाँ पे एकदम गलत ही सीन हो गया है क्योंकि मैंने भाई साहब उनसे डायमंड छुपाए थे और मेरे मतलब कि कैसे वहाँ पे डायमंड की मेरी एक्स दिख गई और उनको समझ में आ गया कि मेरे पास डायमंड है। तो गाइस अभी तो PvP होने वाली थी तो फिर मैं भी PvP करने लगा उनसे। तो भाई मार क्यों रहे हो भाई? अरे अभी आपके पास वो था। भाई गलत बात है आपने झूठ क्यों बोला? भाई इतना गलत बात होती है भाई झूठ बोलना। ऐसे झूठ नहीं बोलना होता है। अभी मैं डायमंड की आपके पास डायमंड था आपके पास डायमंड था आपने आपको बताना चाहिए था ना पहले भाई आपने मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था आपको देखने के लिए कि आप क्या बोलते लेकिन आप तो मैंने आपको दोस्त समझा था लेकिन आप तो बहुत भाई बहुत झूठ बोल रहे थे मुझे। मर जाऊंगा भाई यार भाई मुझे डायमंड
वो रहा ना आपके पास डायमंड का एक्स। अबे मेरे पास था, आप झूठ बोल रहे थे। आप भाग क्यों रहे हो? हाँ अरे भाई मैं आपको लूट भी नहीं लूंगा भाई। तो यार गाइस मुझे आलू भाई ने मार दिया और मेरा सारा सामान भी उन्होंने ले लिया और मेरा एक हार्ट भी उनके पास चला गया। बट अब जो आगे होने वाला है उसकी कल्पना वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आने वाला है इस वाली SMP में एक न्यू बंदा और वो बताएगा कि आई एम आदि कौन है।